जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसको कहते हैं उपभोक्ता बचत की अवधारणा, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं बच्चों इसको इंग्लिश में। और ये जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है ये मार्शल ने पॉपुलराइज किया। तो मार्शल की जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इस विचार को काफ़ी यूज़ किया जो कि उपभोक्ता बचत की अवधारणा को नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ उपभोक्ता बचत क्या होती है। उसे बताने से पहले हम कुछ मान्यताओं को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि उपभोक्ता की जो माप है यानी कि जो उपयोगिता है वो गणनात्मक उपयोगिता है। गणनात्मक उपयोगिता का क्या मतलब हुआ कि उपयोगिता नंबर में दी हुई है और आप उपयोगिता को माप सकते हो यूटिल में। यानी कि उन्होंने ये माना कि मुद्रा रूपी एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हो। दूसरा उनकी ये मान्यता थी कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो समान रहती है। तीसरी मान्यता ये चलती है कि कोई भी वस्तु का विकल्प मौजूद नहीं है, यानी कि कीमत घटने पर या बढ़ने पर या वस्तु का उपभोग करने पर, यानी कि हर परिस्थिति में उपभोक्ता उसी वस्तु का प्रयोग करता रहेगा जिसकी उपयोगिता जिसका उपभोग वो कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना था कि अलग अलग वस्तुओं से जो उपयोगिता मिलती है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा जो चौथी मान्यता है वो है उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता समान रहती है। तो इन चार मान्यताओं को हम ध्यान में रखेंगे और आज का जो टॉपिक है उसका डिफाइन कर रहा है। तो ये मार्शल की डेफिनेशन है, कह रहा है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो वस्तु की कीमत देने को तत्पर है तथा जो कीमत वह वास्तव में दे रहा है इसका अंतर उपभोक्ता बचत कहलाता है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गया और मैंने क्या किया, उससे बार्गेनिंग करना शुरू किया शर्ट के लेके। मान लीजिए ये शर्ट लेने के लिए मैं गया तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम शर्ट कितने की दे रहे हो, तो शर्ट को देखने से पहले ही मैंने अपने मन में एक विचार कर लिया कि शर्ट के लिए मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि इतना ही मैं देने को रेडी हूँ। लेकिन जब बारी आई पूछने की तो उसने मुझसे कहा 2000 रुपये की शर्ट है तो डेफिनेटली मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि इस शर्ट के लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2000 रुपये नहीं है, 2000 रुपये भी है और मैं 2000 रुपये की भी शर्ट खरीद सकता हूँ, लेकिन इस शर्ट के लिए मैं केवल 1000 रुपये देने को रेडी हूँ। आप ऐसा ही करते होंगे, अगर आपके पास में मान लीजिए 50,000 हैं तो केवल कपड़े खरीदने के लिए तो आप 50,000 नहीं खर्च कर सकते ना, आपको और भी ज़रूरतें होंगी। तो आप किसी भी शर्ट को लाने से पहले मन में विचार कर लेते हो कि आप इस शर्ट के लिए, पर्टिकुलर शर्ट के लिए कितने पैसे देने को रेडी हो। अब चलिए 500 रुपये मैंने कहा मैं 1000 रुपये देने को रेडी हूँ, उसने 2000 रुपये कहा तो कुछ नहीं उठता कि हमारा क्या बोलते हैं उसको किसी भी तरीके का डील हो सके। तो डील तभी होगी, नंबर वन केस, जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि ये वो है पैसा जो हम देने को रेडी है इन टर्म ऑफ मनी ऑफ एक्स, या तो ज़्यादा हो प्राइस से या एटलीस्ट बराबर हो, यानी कि या तो कीमत जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो, सॉरी 1000 रुपये के बराबर हो या 1000 रुपये से कम हो। मान लीजिए चलिए 600 रुपये में डील हो जाए तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे 400 रुपये की बचत हो गई ना। तो ये वो उपभोक्ता बचत की बात कर रहा है, इसका मतलब ये सेविंग नहीं है, ये सरप्लस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कॉलेज से अपने घर जाने के लिए मैंने ओला या उबर बुक की और जिसका प्राइस लगभग 450 रुपये मेरे लिए आया, तो मैं वेट करने लगा, तभी मेरे दोस्त आया और उसने मुझसे कहा कि चल मैं तुझे अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इनडायरेक्टली तो मुझे यही फील हुआ ना कि कार का सेटिस्फेक्शन तो मुझे मिल ही रहा है, साथ ही साथ मेरे 450 रुपये की बचत हो गई। तो ये वो वाली उपभोक्ता बचत है, ठीक है। उपभोक्ता बचत मतलब मैं कितने रुपये देने को रेडी था, मैं मान लीजिए रेडी देने के लिए 450 रुपये, ओके, लेकिन मैंने वास्तव में कितने दिए, मान लीजिए मैंने उस दोस्त को चलिए कोल्ड ड्रिंक पिला दिया या चाय पिला दी, मान लीजिए मेरे 100 रुपये खर्च हुए, ठीक है। इसका मतलब अभी भी तो मेरे 350 रुपये की बचत हो गई ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों उपभोक्ता बचत। उपभोक्ता बचत का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार दोबारा डेफिनेशन में देख लीजिए। जो उपभोक्ता देने को तैयार है यानी कि जो वो रेडी है देने को, जैसे मेरे केस में मैं 450 रुपये देने को रेडी था, ठीक है, और जितना मैंने दिया वास्तव में मान लीजिए मैंने 100 रुपये दिया, ठीक है, इनडायरेक्टली 100 रुपये खर्च हो गए मेरे, तो इस केस में जो उपभोक्ता की बचत है वो 350 रुपये होगी। तो ये वाली जो कंडीशन है यानी कि जहाँ पर आपका सामान जो है आपको सस्ता मिल जाता है आपकी उम्मीद के मुकाबले, वो जो बीच का डिफरेंस आपको जो बचा उसी को हम बच्चे उपभोक्ता बचत बोलते हैं। तो उपभोक्ता बचत की इस अवधारणा को समझाने के लिए उन्होंने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का यूज़ किया, घटती सीमांत उपयोगिता नियम का यूज़ किया। हम जानते हैं बच्चों घटती सीमांत उपयोगिता नियम हमें क्या बताती है, घटती सीमांत उपयोगिता नियम हमें बताता है कि जैसे जैसे आप वस्तु का उपभोग करोगे वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती चली जाएगी।
ठीक है, मैं 4 यूनिट ले रहा हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए, केवल 4 यूनिट हमने ले ली है। जबकि जो वस्तु की कीमत है, ठीक है, कीमत के बारे में तो आपको पता ही है, वस्तु की जो कीमत है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। मान लीजिए अगर सपोज कीजिए 40 है तो हर केस में हमारी 40 रहेगी, हम ये मान रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप वस्तु का उपभोग कर रहे हो, ज्यादा 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 आपसे वस्तु की जो उपयोगिता है वो घटती चली जा रही है, लेकिन वस्तु की कीमत आपकी एक तरीके से समान है। उपभोक्ता बचत सीमांत उपयोगिता और कीमत का अंतर है, यानी कि ये जो है सीमांत उपयोगिता, ये बता रहा है क्या वो देने को तैयार है, और ये बाजार कीमत है, यानी कि जितना वो देने को तैयार है वो 100 है, और जितना वो दे रहा है उस केस को हम 40 बोलते हैं। तो इस केस में उपभोक्ता की जो बचत हो गई वो हो गई 60। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस वाले केस की बात करें तो इसमें जो देने को रेडी है वो 80 है, लेकिन जब वास्तव में वो 40 दे रहा है तो इसका मतलब उसको 40 की सेविंग हो गई, बचत हो गई, सरप्लस हो गया। 60 देने को तैयार है, करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। तो आप याद रखिएगा कि जहां पर उपभोक्ता संतुलन होता है, यानी कि वस्तु की जो कीमत है और वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो जब बराबर बराबर होती है, यानी कि सीमांत उपयोगिता ये वाले है और जब कीमत बराबर बराबर होती है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता बचत की वैल्यू 0 होती है। तो टोटल कितनी बचत हुई, टोटल 120 बचत हुई। कैसे पता किया बच्चों, इन चारों को जोड़ लीजिए। जैसे कि यहां पे देखिए, 4 वस्तु जब आप यूज कर रहे हो, 4 इकाई टोटल, ठीक है, तो यहां पे 180 और ये 200, आपका 280 हो गया और 160 हो गया, ये यानी कि आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है, वो 180-280 है, और जो आपने प्राइस पे किया वो 160 था, जिसकी वजह से उपभोक्ता बचत जो है वो 120 हो गई। उपभोक्ता बचत की इस अवधारणा को हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल बनाने के लिए हमने माना कि ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो कि गिर रही है, और वस्तु की कीमत जो है वो ये वाली है, ठीक है जी, यानी कि लगातार आपकी सीमांत उपयोगिता गिर रही है, ये कीमत है। तो जिस स्थिति में एमयू एक्स और पी एक्स बराबर बराबर होंगे वहां पर उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा, और इस स्थिति में आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये रेड से कर देता हूं मैं इसको, ये उपभोक्ता की बचत है, ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उपभोक्ता की बचत का एरिया यानी कि टोटल जो बचत है वो कौन सी कहलाएगी, यानी कि ये मांग वक्र भी होता है बच्चों, अगर आपको मैं आगे बता दूंगा इसको, यानी कि मांग वक्र से नीचे वाला हिस्सा और कीमत से ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारा उपभोक्ता बचत की स्थिति में है, यानी कि उपभोक्ता बचत का हिस्सा कौन सा है, ये रेड वाला हिस्सा है। अगर मान लीजिए किसी वजह से कीमत जो है वो गिर जाती है, मान लीजिए सपोज कीजिए कीमत जो है वो गिर जाती है, मान लीजिए, तो इस केस में देखिए उपभोक्ता बचत का जो एरिया है वो रेड तो पहले था ही, अब ये ग्रीन वाला एरिया भी जो है वो उपभोक्ता बचत में ही आ जाएगा, ये सारा का सारा, यानी कि हमें यह समझना है कि अगर वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की बचत जो है वो बढ़ जाएगी, और उपभोक्ता पहले से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा। इसी तरीके से अगर हम कीमत घटा दें तो उपभोक्ता बचत का ये जो एरिया है ये घट जाएगा, और उपभोक्ता पहले से कम वस्तु उपभोग करेगा। तो इस तरीके से बच्चों उपभोक्ता बचत की अवधारणा है। एक बार मैं लास्ट में आपको डेफिनेशन दोबारा से पढ़ देता हूं, किसी वस्तु को उपभोग से वंचित रहने की दशा में, यानी कि अगर वो किसी वस्तु को उपभोग ना करे उस दशा में, जितनी वो कीमत देने को तैयार है और जितनी वो कीमत वास्तव में दे रहा है, यानी कि रेडी टू पे, इसको बोलते हैं रेडी टू पे, और जितना वो एक्चुअल में दे रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम उपभोक्ता बचत कहते हैं। तो बच्चों उपभोक्ता बचत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि आपकी कुछ मान्यता है उन्हीं के बेस पर हम आलोचना बना सकते हैं। सबसे पहले उपयोगिता का मापा नहीं जा सकता, जैसे कि इसमें यह माना गया है कि जैसे जैसे आप वस्तु उपभोग कर रहे हो वैसे वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिर रही है। तो कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता को आप तो माप ही नहीं सकते, इसलिए उपभोक्ता की जो बचत की अवधारणा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने माना है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, ये भी अवधारणा गलत है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घट जाती है। उपभोक्ता की मांग तालिका की पूरी जानकारी होना जरूरी है, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि कौन कितनी वस्तु वो उपभोग करेगा, कितनी संतुष्टि मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी उपभोक्ता के पास होना चाहिए। निकोलस ने तो इसको काल्पनिक विचार तक कह दिया। इसके अलावा उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में अंतर आ जाता है समय बीतने के साथ साथ, और जीवन रक्षक और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देने को रेडी हो जाते हैं, हम कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बचत निकालना
व्यवहारिक नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने उपभोक्ता बचत के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उपभोक्ता बचत की जाने में पूरी की पूरी जानकारी हो गई होगी। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।